प्रहार टीवी सत्यमेव व्रतम। वनवास के 6 साल बाद सियासी रणमाजम की वापसी मुश्किल, सपा को लगा झटका। मुस्लिमों में तगड़ी पकड़ रखने वाले सपा के कद्दावर नेता आजम खां की विधानसभा सदस्यता तो गई ही, साथ ही वे आगे 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। गर्दिश के दौर से गुजर रहे आजम खां के सामने यह बड़ी चुनौती होगी कि वह अगले चुनाव तक क्या इसी पुराने अंदाज में अपनी वापसी कर पाएंगे। बढ़ती उम्र, गिरती सेहत और मुकदमों की भरमार के चलते आजम के इसी तरह से चुनावी रण में हुंकार भर सकेंगे। उनका प्रभाव पश्चिमी उत्तर की कई सीटों पर रहा है और निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी सपा के लिए करारा झटका माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 की बात करें तो सपा तमाम प्रयासों के बावजूद सत्ता के शिखर तक नहीं पहुंच पाई। बावजूद इसके पश्चिमी उत्तर की कई सीटों पर उसने अच्छा प्रदर्शन किया। रामपुर व आसपास के जिलों में सपा ने कई सीटें जीती। माना गया कि आजम खां की सियासत ने इस क्षेत्र में खास तौर पर सपा को बढ़त दिलाई। रामपुर जिले की ही 5 सीटों में से 3 सपा ने जीती। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही चुनाव जीते। उधर निकट के मुरादाबाद जिले में भी 5 सीटें सपा ने जीत ली। मात्र 1 सीट पर भाजपा ने विजय पताका फहराई। आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही चुनाव जीते। उधर निकट के मुरादाबाद जिले में भी 5 सीटें सपा ने जीत ली। मात्र 1 सीट पर भाजपा ने विजय पताका फहराई। संभल में भी 4 में से 3 सीटें सपा ने जीती। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर में सपा रालोद गठबंधन मिलकर 40 से ज्यादा सीटें जीता था। इस समय आजम खां की विदायगी चली गई है और उनके लिए बड़ी चुनौती है। सदन में उनकी गैर मौजूदगी तो सपा को कमजोर करेगी ही, साथ साथ अगले 6 साल तक चुनावी समर में न उतरने के कारण आजम खां सीधा वोटरों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकेंगे। 6 साल बाद उनकी उम्र लगभग 80 साल हो जाएगी। उनकी सेहत भी गिर रही है। साथ ही अदालत में चल रहे तमाम केसों की सुनवाई कहने इतने लंबे समय तक सियासी रण में मजबूती से खड़ा रख पाएगी। हालांकि उनके पुत्र अब्दुल्ला इस भरपाई को पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आसान नहीं होगा।